टू माय चैनल। तो जी रेडी हो गई हूँ मैं हल्दी के फंक्शन के लिए। अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा मैंने आपसे शेयर किया था कि यार कोलकाता में हमारे मामा के बेटे की शादी है। सो आज हल्दी का फंक्शन है, रात में शादी है। सो फटाफट करती हूँ मैं इस वेडिंग डे को स्टार्ट एंड आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। तो जैसा मैंने कहा कि हम लोग हल्दी के फंक्शन में जा रहे हैं, इस वजह से आज देखो मैंने येलो कलर का ही आउटफिट भी पहना हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे ये आउटफिट आपने ऑलरेडी मेरे एक ब्लॉग में देखा हुआ है, तो अगर होगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो वो वाला ब्लॉग भी आप चेकआउट कर लेना। खैर अभी हम लोग निकलते हैं क्योंकि लेट हो रहा है, मम्मी पापा ऑलरेडी जा चुके हैं और ये रहे आकार, वो भी येलो कलर के कुर्ते में रेडी हो गए। सो फटाफट अभी निकलते हैं और फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो ये देखो एज़ यूजुअल हम लोग जा रहे हैं हमारे धन्नों में, लाइक हमारे पापा की धन्नों में, और पापा चले गए मम्मी को लेके पहले और ये रहे, इनको बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे बजाज प्रिया चला के। हाँ देखे राइट। तो पहुँच गए हम लोग मेरी नानी के घर, अभी चलते हैं ऊपर, वहाँ जाकर कितना ब्लॉग कर पाऊँगी पता नहीं, बट ट्राई करूँगी कि थोड़ा बहुत शूट कर पाऊँ क्योंकि सब लोग रिलेटिव सब है ना, तो थोड़ा सा अजीब लगता है कि यार सबके सामने ऐसे कैमरा शूट करना। कई लोग नहीं भी कंफर्टेबल होते कैमरे में आने में। सो मैं ज़्यादा किसी को फोर्स नहीं करूँगी, थोड़ा बहुत शूट ज़रूर करूँगी आपके लिए। तो ये देखो दीदी जीजा जी सब लोग आ गए और सब बिल्कुल हल्दी के रंग में रंग गए। बैग क्या ऑफिस है? तो ये देखिए शादी के घर में भी लोग ऑफिस का काम करेंगे विद लैपटॉप आए हैं। हमारे कैमरे का फोकस तो एक ही जगह है दीदी, वही रखो अच्छा। वाह मधुलिका दीदी को देखिए, अरे हाँ चलो भाई चलो चलो चलो। हमारा छोटा सा नीतबोर इन द सेंस हमारे यहाँ होता है कि दूल्हे के साथ एक छोटा सा ग्रूम रहेगा, तो ये हमारा आदि बनाया हुआ है और इसने देखो ये टोपोर भी लगाया है। अभी तो शाम को मेकअप बाकी है ना आदि। अच्छा लग तो सारा का सारा ब्लॉग का भी ट्रेलर था। हाँ अभी अभी रात को अभी मूवी शुरू हो रही है। अरे वाह ये ट्रेलर था, अभी रात को मूवी शुरू होगी, वाह पठान मूवी। आर 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 KGF वाह। वहाँ पे इसको एक छोटी सी ब्राइड भी मिलने वाली है ना आदि, जो ब्राइड के साथ रहेगी वो भी नीत को ने। सो गाइस हल्दी सेरेमनी डन और अभी मैं आई हूँ मार्केट में अपने लिए और दीदी सबके लिए गजरे और गुलाब का फूल ये सब लेने। तो क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है, हल्दी में भी काफ़ी लेट हो गया था, टाइम था हम लोगों को कहा गया था कि 8:30 बजे तक आ जाना, हम लोग टाइम पे चले गए बट पंडित जी लेट हो गए। गजरे की शॉपिंग डन, अब बस घर चलते हैं और पापा मेरा बाहर ऑलरेडी वेट कर रहे हैं। अभी मैं घर आ गई हूँ और थोड़ी देर अभी रेस्ट करेंगे फिर शाम के लिए रेडी होंगे। सच बताऊँ तो मेरा तो अभी बैटरी डाउन हो गई है, लाइक मुझे अभी मन नहीं कर रहा है कि मैं रेडी हूँ या कुछ हो, बट होना पड़ेगा। सो अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। सो ये देखो अभी मैं चेयर पर बैठ गई हूँ और दीदी करेंगी मेरा मेकअप अभी। तो मैंने हाँ आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मंजुलिका है। हाँ और ये बहुत अच्छा मेकअप करती है, अभी मैं और दोनों दीदियों का भी मेकअप दिखा दूँगी, उनका भी मेकअप इन्होंने ही किया हुआ है और मेरा भी करेंगी। तो आप मुझे क्या सजेस्ट करिए, आप मेरा इस लहंगे पे कैसे मेकअप करेंगी? ब्लू स्मोकी। चलो तो यहाँ दीदी कह रही है कि वो स्मोकी आईज और कुछ अच्छा सा मुझे लुक देने की कोशिश करेंगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे मेकओवर के बाद।
आई मेकअप ऑलमोस्ट डन हो गया और फेस मेकअप भी जॉब आउट हो गया. अभी वैसे मेकअप आते हैं मेरे दोस्त. मेकअप हो गया है और ये रहा मेरा आई मेकअप. अभी मैं आपको अच्छे से प्रॉपर लुक दिखा दूंगी, बट दीदी को जल्दी जाना है. तो दीदी ने सच में गाइस बहुत जल्दी मेरा इतना अच्छा मेकअप किया. लाइक हम लोग, मुझे तो डर लग रहा था कि यार मैं कब तक जाऊंगी और फिर 2-3 घंटे लगेंगे मेकअप करने में, बट आप देख सकते हो कितना खूबसूरत मेकअप किया है. थैंक यू सो मच दी. दीदी का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सो आप में से कोई भी अगर कोलकाता में है, बेहाला में है, तो दीदी को कॉन्टैक्ट करके आप ही मेकअप करवा सकते हो. मेरा नंबर भी बोल देती हूँ, 9830862669. आपका कहीं पर पार्लर भी है? हाँ, मेरा रूपरेखा पार्लर है. मैं ब्यूटिशियन कोर्स भी कराती हूँ, सब कुछ कराती हूँ. सो बस आप लोग इनको कॉन्टैक्ट करना, जो भी कोलकाता में है, बेहाला साइड में है, वो इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो. पहुंच गए हम लोग हमारे वेन्यू तक और ये काफ़ी दूर था, मतलब हमारे बेहाला से जोका. अगर आप कोलकाता से हैं तो आपको पता होगा जोका एक एरिया है, उसको भी क्रॉस करके थोड़ा दूर आए हैं अभी. सो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी आ गए हैं. अभी बाकी और सब लोग आ रहे हैं पीछे पीछे, तो चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या है क्या नहीं. और अभी तक मैंने आपको मेरा प्रॉपर लुक भी नहीं दिखाया है, तो वो भी मैं दिखाती हूँ थोड़ी देर में. मेरा प्रॉपर लुक, आई मेकअप आप देख लो अच्छे से, और मैंने यहाँ पे ऑर्किड के कुछ फूल भी लगाए हुए हैं. और ये है मेरा लहंगा. तो बता दूँ ये लहंगा मेरे रिसेप्शन का है. उस टाइम पे तो मैं व्लॉगिंग करती रही थी, सो आपने ये लहंगा नहीं देखा था, बट आज देख लिया है. कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा. तो अभी चलते हैं अंदर और सबसे मिलते हैं. तो गाइस ये है हमारे छोटे से दूल्हे राजा. हमारा आदि देखो कितना क्यूट लग रहा है इस तरह सज के. वाह आदि, अच्छा लग रहा है छोटे से दूल्हे राजा बनके? मजा आ रहा है बेटा? हाँ मूवी अब स्टार्ट होगी, सुबह तो ट्रेलर था है ना. तो देखो कितना क्यूट लग रहा है, धोती पहना है. तो बेसिकली इसने वैसा ही पहना है जैसे हमारे ग्रूम ने कपड़े पहने, क्योंकि ये है हमारे ग्रूम का नीथ बॉय. तो गाइस चलो अब मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ. सबसे पहले तो हमारा ये आदि, इससे हम बहुत बार मिल चुके हैं आज इस व्लॉग में. तो अब चलते हैं बाकी सबकी ओर. तो गाइस ये है मधुलिका दीदी. दी आदि का मेकअप देख लो गाइस, एक बार आईज क्लोज करना. अरे मेकअप किया है. हाँ आदि कह रहा है क्या बेहतरीन मेकअप किया है. अब पीछे जरा दिखाना. ओ वाह, तो दी ने कुछ इस तरह का मेकअप करवाया है. और ये हमारी कनिष्का, ये रहे जीजा जी. अरे वाह. और दीदी दीपिका दीदी का भी मेकअप देख लीजिए गाइस. एक बार पीछे दिखाना. तो दी ने कुछ इस तरह का मेकअप करवाया है. अरे मेरे पति देव कहाँ गए. और ये रहे हमारे बड़े वाले जीजा जी. हाँ और ये देखो मेरे पति देव. वाह 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 वाह. अब मम्मी आई है पकड़ में और दीदी से बात कर रही है. अरे बस भैया कितना बात करेगी, माना दी चली जाएगी बेटी आपकी. तो मम्मी का कुछ लुक ये है, मम्मी को भी दिखाना बनता है भाई. और हमारी दीदी और ये सब तो हैं ही. इन लोग मुझसे ना बार बार परेशान हो रहे हैं.
इन लोग मुझसे बार बार परेशान हो रहे हैं, कह रहे यार खुद भी फंस रही हो और सब लोगों को भी इतना वीडियो में क्यों ले रही हो। और ठीक है, अभी खाते टाइम भी मैंने शूट किया था, सब ने कट करवा दिया। तभी पीछे शादी स्टार्ट हो गई है, शंख की भी आवाज़ आपको आ रही होगी। जल्दी से फटाफट ये सब करते हैं, बहुत अंदर भीड़ है। मैं ज़्यादा कुछ व्लॉगिंग कर ही नहीं पा रही हूँ, पता ही नहीं चल रहा है कि यार मेरी आवाज़ आप तक आपको सुनाई भी देगी या नहीं। खैर एनीवेज, जितना भी हो रहा थोड़ा बहुत मैं शूट कर ले रही हूँ, अभी चलते हैं अंदर। अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे डिनर करने, और यहाँ पे ना कोलकाता में बैठा के आराम से इत्मीनान से खिलाते हैं हम लोग भी सब लोग यहाँ बैठ गए टेबल चेयर में। अभी एक एक करके सारा सब कुछ आएगा और बस खाना खाएंगे। ये दीदी है, दीदी हाय तो बोलिए। परदे में ये आप प्लेट के पीछे क्यों चुप रही हैं? तो ये दीदी छुपती हुई हमारी खूबसूरत सी दीदी, ओहो नजाकत देखिए इनकी। अरे यार हालत खराब हो गई है गाइस, वो देखो हमारी बाकी की जनता उधर जा रही है धीरे धीरे। हम लोग आ गए, तो हम लोग आ गए एक्चुअली घर, और मेन रोड पे हम लोग को बस ने उतार दिया है। तो अभी हम लोग दीघा जा रहे हैं और हालत देख सकते हैं आप, लहंगा वहंगा उठा के इयररिंग्स वेयरिंग सब उतार दिया है, सब भाड़ भैया मेकअप। अब बस लग रहा है बस जल्दी से बेड मिले और आराम से सोए। सब आएगा, सब इनका शूट ही नहीं खत्म हो रहा है। सो गाइस हम लोग आ गए सब लोग घर, और आप सबके हालत देख सकते हो। बट फिर भी अब हम लोग करते हैं इस व्लॉग को यही एंड, एंड आई होप कि आपको हमारा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा। और इस व्लॉग में व्लॉग क्वीन, थैंक यू आदि, वेलकम, क्योंकि क्योंकि जितने भी वीडियोस हैं उन सब में मैं और तुम ही आई। हाँ ये बात सच है गाइस कि आज के जितने भी वीडियोस मैंने शूट किए वो ज्यादातर मेरे और आदि के हैं, है ना। सो थैंक यू सो मच आदि। सो अब करूँ मैं इस ब्लॉग को एंड? हाँ। सो गाइस अब करती हूँ मैं इस ब्लॉग को यही एंड, एंड आई होप कि आपको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा हो सो चैनल पे नए हो सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। बहुत जल्द मिलूंगी मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और दूसरों पे ढेर सारी खुशियां बांटिए। गाइस मूवी एंड, बाय बाय।